हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे यहां पे आके सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिख रहा है इसको जरूर ऑल सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और मेरी वीडियोज़ का आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो यदि आपको इस YouTube चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं अगर वो वीडियोस को आप पसंद करते हो या अच्छा लगता है देखने में या समझ में आता है अच्छा तरह से आपको आपके प्रॉब्लम्स अगर क्लियर होते हैं तो दोस्तों उसे ज़रूर लाइक करें और जो भी मेरे वीडियोस हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स भी उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम राजेश कुमार एंड टुडे वी आर टू स्टडी क्लास सिक्स सोशल साइंस बुक एंड द चैप्टर्स नेम इज़ द रियलिज्म ऑफ द अर्थ एंड द चैप्टर नंबर इज 5। ओके डियर स्टूडेंट, सो इन द लास्ट सेशन वी हैड स्टडीड द चैप्टर 4 एंड इन दिस सेशन वी विल स्टडी द चैप्टर 5 एंड द चैप्टर्स नेम इज द रियलिज्म ऑफ द अर्थ। ओके, सो कीप लर्निंग विद आरके क्लासेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर टुडे। एट फर्स्ट वी विल लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? परिचय होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके बारे में क्या है, क्या खास दिखाया है आखिर इस इंट्रोडक्शन में। ओके, सो देखिए, द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ इज मेन रीजन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है डियर स्टूडेंट्स कि वी आर लिविंग ऑन द अर्थ, हम लोग इस धरती पे रह रहे हैं ना, बट वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि हम लोग पृथ्वी पे जितने भी स्रोत हैं खाने पीने का, है ना, इन सारे स्रोतों का प्रयोग करने के बाद ही हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर रह पाते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, कहता है कि ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इस धरती का, ठीक है, अगर ये इन्वायरमेंट हमारी धरती पर नहीं होता तो इस धरती पर लाइफ बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो देखिए हमारी इस धरती का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट, ठीक है, इस इन्वायरमेंट में देखिए क्या खास है। सबसे पहला जो है लैंड है, ठीक है, लैंड का मतलब क्या होता है? धरती, जिसको लिथोस्फेयर भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो लैंड को ही लिथोस्फेयर कहा जाता है। एंड सेकेंड नंबर इज वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? पानी, है ना। तो देखिए पानी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इसे याद रखें, वाटर को हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है। और देखिए थर्ड नंबर का जो है, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एयर, ठीक है, एयर का, एयर को एटमोसफेयर ही कहा जाता है, यानी कि इसी एटमोसफेयर में हमें प्राप्त होता है, इसी वातावरण में। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि लैंड मतलब धरती, ठीक है, जिसको लिथोस्फेयर, वाटर का मतलब हाइड्रोस्फेयर, ओके, और एयर का मतलब एटमोसफेयर। तो देखिए लैंड का मतलब वो धरती जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, और वाटर इस धरती के ऊपर जो पानी है, यानी कि समुद्र में, तालाब में, झरना में, ये सारा हाइड्रोस्फेयर का ही एक हिस्सा है, ठीक है। और एयर जो कि हमारे इस धरती के ऊपर जितने भी सारी हवाएं हैं, ठीक है, या वायु है, उसे ही हम लोग एटमोसफेयर कहते हैं, वातावरण है वो हमारा। ओके, सो एट फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लिथोस्फेयर। ओके, आफ्टर दैट वाटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर, यानी कि हम लोग सबसे पहले लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर के बारे में, और तीसरा नंबर एटमोसफेयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज लिथोस्फेयर। देखिए लिथोस्फेयर, व्हाट इज लिथोस्फेयर, पहले इसको समझते हैं। लिथोस्फेयर इज द रिजिड आउटर मोस्ट सेल ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी का, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल, यानी कि वो हिस्सा हमारी पृथ्वी का जो हमारी पानी से ऊपर की ओर उभरा हुआ है, जो बाहर की ओर हमें दिखता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, सॉइल यानी कि हमारा पृथ्वी जो है वो किसी से बना हुआ है? चट्टानों से और मिट्टी से, यही तो चीज़ों से बना हुआ है ना। ऑफकोर्स यू कैन सी दैट, हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को कि हमारा ये धरती जो है खोदने पर दो ही चीज़ निकलते हैं, क्या निकलते हैं? पत्थर और मिट्टी, यही दो चीज़ निकलते हैं। तो यही दोनों चीज़ों से मिलकर के हमारी पृथ्वी बनी हुई है। और देखिए क्या कहता है, अबाउट 70% ऑफ एंटायर लिथोस्फेयर इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारा पृथ्वी का जो 71% है, ठीक है, वही जो लिथोस्फेयर है, ठीक है, वो जो है, ठीक है, 71% जो है वो कवर किया हुआ है किस चीज़ से? वाटर से, यानी कि पानी भरा हुआ है, यानी कि 71% जो है हमारा पृथ्वी के ऊपर पानी है, बाकी जो बचा 29%, ठीक है, वो है हमारा धरती जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखिए, द रिमेनिंग 29% इज द रॉकी एंड लैंड एरिया ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि वही 29% जहाँ पर जीवन जो है अस्तित्व है जीवन का, यानी कि वही जहाँ पर हम लोग रहते हैं।
देयर आर लार्ज मासेस ऑफ लैंड हेयर विच आर कॉल्ड कंटिनेंट, यानी कि क्या कहता है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े धरती के बड़े बड़े टुकड़े हैं, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कंटिनेंट। ओके, सो सबसे पहले कंटिनेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, कंटिनेंट्स का मतलब क्या होता है, महादेश, ठीक है। जैसे कि एक होता है देश, देश का मतलब समझते हो, जैसे कि वी लिव इन इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो कंट्री, यानी कि भारत में लोग रहते हैं तो भारत भी एक देश है। जस्ट लाइक दैट बहुत सारी देशों को एक साथ मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो एक महादेश बनता है। ओके, तो हमारा जो देश है वो कौन सा महादेश में है, इन एशिया। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा देश भारत जो है वो एशिया में है। कहाँ है, एशिया में, तो एशिया एक कंटिनेंट है, ठीक है। तो उसी तरह के कंटिनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ए कंटिनेंट इज अ लार्ज लैंड मास सेपरेटेड फ्रॉम द अदर लैंड मासेस बाय सी, यानी कि एक कंटिनेंट यानी कि एक महादेश जो होता है वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा जमीन होता है जो कि सेपरेट क्या हुआ रहता है, यानी कि सबसे एक दूसरे से अलग रहता है, किसके कारण, समुद्रों के कारण। यानी कि समुद्र जो है वो क्या करता है, हमारे पृथ्वी के ऊपर धरती के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उन सारे टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करके रखी हुई है, ठीक है। आगे देखिए, देयर आर सेवन कंटिनेंट्स ऑन द अर्थ, यानी कि पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, टोटल सेवन कंटिनेंट्स हैं। कितने हैं, सेवन कंटिनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज दे आर, अगर देखा जाए, ठीक है, सबसे बड़ा जो है, बड़ा से छोटा को मतलब, सबसे बड़ा से मतलब कि कम छोटा, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, इसी हिसाब में अगर देखा जाए तो देखिए सबसे पहला नंबर वन में आता है एशिया, एशिया के बाद है सेकेंड नंबर पे अफ्रीका, एंड थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, एंड फोर्थ नंबर पे है साउथ अमेरिका, एंड फिफ्थ नंबर पे है अंटार्कटिका, एंड सिक्स नंबर पे है यूरोप, एंड सेवन नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसको आप अंटार्कटिका पढ़िएगा, अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिका। ओके, तो ये सेवन कंटिनेंट्स के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज एशिया, तो चलिए एशिया के बारे में पढ़ते हैं पहले। देखिए फर्स्ट वन एशिया, देखिए इट इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है कौन, एशिया, याद रखें डियर स्टूडेंट्स। ओके, देखिए यानी कि एशिया जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, सबसे बड़ा महादेश है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी का जो सतह है, सरफेस का मतलब सतह, ठीक है, उसका एक तिहाई हिस्सा जो है वो एशिया का है। किसका है, एशिया का एक तिहाई हिस्सा, यानी कि तीन में से एक भाग जो है धरती का वो एशिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ा एशिया है, सो वी कैन थिंक दैट वी आर लिविंग इन द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महादेश में रह रहे हैं, सबसे बड़ा कंटिनेंट में। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या कहता है, इट लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इन द लास्ट चैप्टर आई हैव टॉट यू दैट द अर्थ हैज टोटल फोर डायरेक्शंस, हम पढ़े थे कि पृथ्वी की टोटल चार दिशाएं हैं, है ना, उन चारों दिशाओं में से, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही थे चार, ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में एशिया है, ठीक है, यानी कि एशिया जो है वो कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी कि पृथ्वी का, ठीक है, कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि ऊपरी वाला हिस्सा में, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या कहता है, एशिया इज सराउंडेड बाय ओशियंस, यानी कि एशिया जो हमारा महादेश है, ठीक है, वो बड़े बड़े ओशियंस से, यानी कि महासागरों से, ठीक है, सराउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो देखिए पहला कौन सा था, आर्कटिक ओशियन, पहला नंबर का जो है वो कौन सा है, आर्कटिक ओशियन, जो कि किधर से है, नॉर्थ से है। देखिए यहाँ पे इस फिगर को आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये हमारा रहा एशिया, एशिया का देखिए नॉर्थ वाला हिस्सा ऊपर है, साउथ वाला नीचे, और ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट, है ना। तो देखिए ध्यान देने वाला बात ये है कि इसका नॉर्थ में देखिए कौन सा ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, ओके, ईस्ट में कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, ओके, और नीचे देखिए इधर यानी कि साउथ में, साउथ में कौन सा है, इंडियन ओशियन। यहाँ पे ध्यान देने वाला ये बात है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि देखिए वही है, द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ वाला हिस्सा में आर्कटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशियन है, कहाँ पे, ईस्ट में, ओके, और देखिए एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और इंडियन ओशियन जो है ये रहा साउथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा एशिया था, इस एशिया के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया। अब नाउ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये भी एक कंटिनेंट है, यानी कि एक महादेश है। ओके स्टूडेंट्स,
तो देखिए, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया, यानी कि अफ्रीका जो है वो पूरी दुनिया का, ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महादेश है एशिया के बाद। ओके स्टूडेंट्स, इट इज द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखने का जरूरत है, ठीक है, क्या याद रखने का जरूरत है, तो देखिए क्या याद रखने का जरूरत है, मैं यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने, देखिए आप इसे, ठीक है। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से देखिए इक्वेटर का जो लाइन था, हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है, ग्लोब के ऊपर जो बीच वाला जो लाइन होता है सेंटर वाला, उसी को इक्वेटर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वेटर का जो लाइन है, ये देखिए एकदम 0 डिग्री का है ना, ये देखिए गुजरा हुआ है कहाँ से, अफ्रीका से। और इक्वेटर तो गुजरा ही है, लेकिन साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अफ्रीका से गुजरा हुआ है। और देखिए एक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरा हुआ है, ये रहा, देखिए आप ध्यान से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस फिगर को आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये अफ्रीका जो है, ठीक है, कितना खास, मतलब कि ये जो है एक ऐसा महादेश है जहां से टोटल 3 लाइन जो है वो गुजरा हुआ है। सबसे पहला इक्वेटर का, सेकेंड नंबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, एंड थर्ड नंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। यानी कि ये 3 लाइनें जो है, ठीक है, अफ्रीका से गुजरी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द स्वेज कैनल। यानी कि एशिया जो हमारा महादेश है, ये देखिए हमारा ये महादेश है ना एशिया, ये, और यहाँ पे हम लोग रहते हैं, और यहाँ से ये जो है अलग है ये कौन सा, अफ्रीका के बारे में लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अफ्रीका का है ये मैप। और इस मैप में देखिए क्या कहता है, कहता है कि ये जो है यहाँ से बीच में से, ठीक है, स्वेज नहर गुजरा हुआ है। कौन सा नहर गुजरा हुआ है, स्वेज नहर, ये देखिए स्वेज कैनल, ठीक है, ये जो नहर है, इस नहर ने ही एशिया से, ठीक है, अफ्रीका को अलग करके रखा हुआ है। इट्स एरिया इज अबाउट 3025968 जीरो, ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर है। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है कि 3 करोड़, ठीक है, 2 लाख, ठीक है, 59,680, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है, इतना जो है ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, किसका, अफ्रीका का। ओके, तो चलिए अफ्रीका का हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए क्या है ध्यान से, थर्ड नंबर का नॉर्थ अमेरिका। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अफ्रीका के बारे में जो जो याद रखने की जो मेन बातें थी वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि 3 लाइनें वहाँ से टोटल गुजरी हैं, और वो तीनों लाइनें कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इक्वेटर, सेकेंड नंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही 3 लाइनें जो वहाँ से गुजरी हुई हैं, कहाँ से, अफ्रीका से। ओके, एंड नाउ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि क्या कहता है कि नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, ये तीसरा बड़ा महादेश है पूरी दुनिया का एशिया के बाद। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए क्या कहता है, एंड लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, एक ऐसा महादेश है जो कि नॉर्थ और वेस्ट दोनों हिस्सा में है पूरी पृथ्वी का। यहां पे देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देखिए इक्वेटर का जो लाइन है वो कहां पे दिखाया है, 0 डिग्री, देखिए आप इसे ध्यान से, ठीक है, ये रहा इक्वेटर का लाइन जो है लंबा सा एकदम, है ना, जो कि 0 डिग्री का है। इधर देखिए साउथ, और यहाँ से देखिए ऊपर की ओर नॉर्थ। यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों हिस्सा में है कौन, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा महादेश है जो कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ, ये देखिए नॉर्थ और वेस्ट में है, सॉरी, देखिए यहाँ पे नॉर्थ और इधर ये वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट। यानी कि ये दोनों हिस्सा में जो है, ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है वो छाया हुआ है, यानी कि पूरा तरह से है वो, एग्जिस्ट करता है। इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशियंस। यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, वो 3 ओशियंस यानी कि 3 महासागरों से घिरा हुआ है। द फर्स्ट वन इज आर्कटिक इन द नॉर्थ। यानी कि नॉर्थ साइड में देखिए आर्कटिक ओशियन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, और देखिए द अटलांटिक इन ईस्ट, और देखिए यहाँ पे इधर अटलांटिक है, इधर ये जो है यहाँ देखिए अटलांटिक ओशियन। ओके, और देखिए नेक्स्ट जो है लास्ट वन द अटलांटिक इन ईस्ट, ये हो गया। देखिए पैसिफिक इन द वेस्ट, यहाँ पे देखिए इधर ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। इस तरह से 3 महासागरों से जो है नॉर्थ अमेरिका घिरा हुआ है।
तो नॉर्थ अमेरिका भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फोर्थ नंबर का, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका जो है इसके बारे में भी कुछ खास बातें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी कंटिन्यू। ओके, सो देखिए, मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कंटिनेंट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि साउथ अमेरिका जो है, ठीक है, इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो साउथ हिस्सा में ही है। कहाँ पे है? पृथ्वी का साउथ वाला हिस्सा में है, ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। साउथ अमेरिका इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय ओशियन एक्सेप्ट इन द नॉर्थ, यानी कि साउथ अमेरिका जो है, ठीक है, वो चारों तरफ से, ठीक है, समुद्रों से ही घिरा हुआ है, केवल उसका नॉर्थ वाला हिस्सा जो है छोड़ करके। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए खास बात क्या है साउथ अमेरिका का, देखिए द एंडेस एक माउंटेन है, क्या है, एक पर्वत है, एंडेस नाम का एक पर्वत है जो कि कहां पर है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, जो कि नॉर्थ से लेके साउथ में के और एकदम चलते गया है, बहुत लंबा है ये, पूरी दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है ये। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो एंडेस माउंटेन है, ठीक है, ये पूरी दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है और ये जो है नॉर्थ से लेके साउथ की ओर गया है, कहां पर, साउथ अमेरिका में। ठीक है, द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन पासेस थ्रू इट, यानी कि पूरी दुनिया का जो सबसे लंबी नदी है हम लोग जानते हैं जिसका नाम है अमेजन, ठीक है, ये नदी भी जो है साउथ अमेरिका से ही होकर के गुजरती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप इसे ध्यान से इस फोटो को, ठीक है, ये फोटो जो है इस फोटो में खास दिखाया है, बहुत ही, ये जो है फोटो किसका है, साउथ अमेरिका का है, और इस फोटो में देखिए साउथ अमेरिका का जो है, यही इसका खासियत है कि सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे सबसे लंबा जो पर्वत है वो एंडस नाम का पर्वत यहीं पर है और अमेजन नाम का जो नदी है वो नदी भी इसी जगह पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए अंटार्कटिक, फिफ्थ नंबर का है अंटार्कटिक। देखिए अंटार्कटिक के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही खास है ये भी। इट इज कॉल्ड ए व्हाइट कंटिनेंट, यानी कि देखिए अंटार्कटिक जो है इसे एक व्हाइट कंटिनेंट यानी कि सफेद महादेश भी कहा जाता है। बिकॉज इट इज परमानेंटली अंडर ए थीक कवर ऑफ आइस, क्योंकि अंटार्कटिक जो जगह है वो एक थीक कवर ऑफ आइस के नीचे रहता है हमेशा, यानी कि बहुत ही मोटा सा परत रहता है किसका, बर्फ का। आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ, और इस बर्फ का जो मोटा सा परत होता है उसी के नीचे ये अंटार्कटिक है। इट इज द वाइंडेस्ट, देखिए वाइंडेस्ट, ड्राइएस्ट एंड आइसिएस्ट, देखिए ड्राइएस्ट, वाइंडिएस्ट एंड आइसिएस्ट। देखिए क्या कहता है कि ये जो अंटार्कटिक जो है, ठीक है, ये एक ऐसा जगह है जहां पे हमेशा एकदम हवाएं चलती रहती है, ठंडी ठंडी हवाएं। ड्राइएस्ट यानी कि बहुत ही सूखा सा इलाका है, ठंडा एकदम इतना ज्यादा है कि हर चीज वहां पे एकदम कठोर है पूरा, ठीक है। और आइसिएस्ट यानी कि पूरा बर्फ से भरा हुआ जगह है ये, पूरी पृथ्वी का, यानी पृथ्वी का एक ये ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं, पूरी सूखी जगह है। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे क्या भरी हुई है, ज़्यादा आइस, पूरी आइस भरी हुई है यानी कि बर्फ। आगे देखिए क्या कहता है, ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूमन हैबिटेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंटिनेंट, यानी कि क्या कहता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु जो है, ठीक है, वो बहुत ही एडवर्स है, यानी कि बहुत ही बेकार सा है, जिसका जिसका जिसको बर्दाश्त हम इंसान लोग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है वहाँ का मौसम, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर इंसानों का जीवन जो है वहाँ पर संभव नहीं है। देखिए ये पूरा वाइट दिखता है कलर में, है ना। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, अंटार्कटिक के बारे में। अंटार्कटिक जो है वो हम लोग सबसे पहला चीज़ क्या पढ़े इसके बारे में, कि ये जो है पूरा सफ़ेद कंटिनेंट है जो कि सालों भर पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर का है यूरोप, ठीक है। देखिए यूरोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि ये सिक्स नंबर का है, ठीक है, ये सिक्स नंबर का कंटिनेंट है। यूरोप इज अ स्मॉलर कंटिनेंट कंपेयर टू एशिया, यानी कि यूरोप को अगर तुलना किया जाए किससे, एशिया से, ठीक है, तो ये छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया जो है, यानी कि हमारा जो कंटिनेंट ये रहा हमारा कंटिनेंट एशिया, एशिया का देखिए इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो देखिए साउथ का वेस्ट वाला हिस्सा में कौन है, यूरोप है, ठीक है स्टूडेंट्स, पता चल गया इस फोटो के जरिए, ठीक है। तो देखिए एशिया के जस्ट वेस्ट में कौन है, यूरोप है। ओके, एंड द ग्रीनविच मेरिडियन पासेस थ्रू दिस
कंटिनेंट। यहां से देखिए ये यूरोप जो है इसी जगह से, ठीक है, यहां से एकदम सेंटर से लेके एक लाइन गुजरा हुआ है जिसका नाम है ग्रीनविच मेरिडियन, यानी कि जिसके हिसाब से हमारा टाइम सेट होता है। इन द लास्ट चैप्टर वी हैड स्टडीड अबाउट दिस मेरिडियंस, हम लोग इन मेरिडियंस के बारे में हम लोग पढ़े थे, ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में, है ना स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा यूरोप का खास जानकारी, ओके। एंड द थर्ड एंड द सी सेवेंथ नंबर इज ऑस्ट्रेलिया, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस जो चैप्टर है, जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, तो हम लोग अभी टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, लिथोस्फेयर, है ना। तो लिथोस्फेयर का जो लास्ट टॉपिक है ये सेवन नंबर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये जो है हमारा लिथोस्फेयर का सेवेंथ नंबर का लास्ट टॉपिक है, यानी कि लिथोस्फेयर यानी कि धरती का एक टुकड़ा है ये बड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया भी है ना, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ओके। इट इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट एंड लाइज इंटायरली इन द साउथर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स, यानी कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया वो सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है पूरी दुनिया का, जो कि पूरी पृथ्वी का साउथ वाला हिस्सा और ईस्ट वाला हिस्सा में ये स्थित है, ठीक है, यानी कि साउथ और ईस्ट दोनों वाला हिस्सा को ये टच करता है। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय सी एंड ओशियंस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, किन चीज़ों से, समुद्र से और महासागरों से, ओके। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट, इसलिए इसको द्वीपीय महादेश भी कहा जाता है। देखिए इसको ध्यान से, आप इस फोटो को आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा, है ना। देखिए इस फोटो को ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये जो है चारों तरफ से एकदम समुद्र ही है ना। तो इस तरह से है ये। अब जो है ये हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है, और ये पार्ट वन था हमारा, इसका पार्ट टू भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही जल्द, इसका मैं पार्ट टू बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स भी इस वीडियोज़ का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकें।